रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। कैम्ब्रिज रूरल सेकेंडरी बुक 7 चैप्टर नंबर 12 हमारे पास रेशियो से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 12.1 के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। रेशियोज को सिंप्लीफाई करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड ऑल वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज टू सिंप्लीफाई द गिवन रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि जितना पॉसिबल हो सकता है आप अपनी वैल्यू को कट डाउन करके आप अपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर अपने आंसर को लिख दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। इससे हमें आपका प्यार मिलता है और इससे हमारी इनकरेजमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं, दिस इज हाउ जारा राइट्स द रेशियो 4:6 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 इज 2, सो ही शी डिवाइडेड 4 एंड 6 विद 2 एंड शी गॉट 2:3। एंड दे से दैट द रेशियो 2:3 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आई कैनॉट सिंप्लीफाई इट टू 1:1.5 एज दिस कंटेन्स अ डेसिमल एंड सो इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जारा का हमें यहाँ पर होमवर्क बता दिया और कह दिया कि 4:6 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 2:3, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके या मजीद हम इसको 2 से डिवाइड करके इसको 1:1.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1:1.5 के अंदर जो एक क्वांटिटी है वो डेसिमल के अंदर है और सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास डेसिमल में नहीं होती, होल नंबर्स में होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं राइट डाउन दी करेक्ट आंसर ए बी और सी फॉर ईच ऑफ दीज। अब हमारे पास जो रेशियोज हैं पार्ट ए के अंदर, इट इज 8:12, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट, इसका ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए और उसके बाद जैसे आप फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे ही आप अपने रेशियोज को सिंप्लीफाई कर लें। तो ये देखिए, हमारे पास 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, 4 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12, तो आंसर आ गया 2/3 विच इज इक्वल्स टू 2:3। तो हमने बेसिकली क्या किया, दोनों को डिवाइडेड बाय 4 कर लिया, दैट्स इट, और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। उसी तरह से पार्ट बी के अंदर हमारे पास है, अच्छा, तो 8:12 रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2:3। ठीक है, 4:6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 4:6 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने हमें 4:6 को सिंप्लीफाई करके 2:3 बताया हुआ है, और 1:1.5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने हमें पहले से बता दिया कि डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट वी हैव 4:18। अब 4:18 को अगर हम चेक करें तो 4:18 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2s are 4, 2 9s are 14, इट कुडंट बी सिंप्लीफाइड एनी फर्दर, सो द आंसर इज 2:9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है उसके अंदर एक 9:2 है और फिर 2:9 है। ये हमारे पास जैसे 2/9 इज नॉट इक्वल्स टू 9/2, बिल्कुल इसी तरह से 2:9 इज नॉट इक्वल्स टू 9:2। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट रेशो होता है ये फर्स्ट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, जो सेकंड रेशो होता है वो सेकंड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 2:9 होगा, 9:2 अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 32:12। अब 32:12 को अगर चेक करें तो ये दोनों भी हमारे पास, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आता है। कैसे, ये देखिए 32/12, अगर आप इसको 2 से स्टार्ट करते हैं कट करना तो 2 16s are और 2 6s are, मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 3s are और 2 8s are, तो दी आंसर इज 8/3। और अगर आप डायरेक्टली 4 से कर लेते तो 4 8s are 32, 4 3s are 12, तो आंसर आपके पास आ जाता 8:3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ किसी कॉमन फैक्टर से सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि फैक्टर्स तो एक दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2 या 3 या 4 इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। ठीक है, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से नहीं करेंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर हम 16:6 लिख देते जो कि हमारे पास यहाँ पर पार्ट बी में ऑप्शन मौजूद है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास कहा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है तो आपको इसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 विच सेज राइट ईच ऑफ दीज रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपके पास क्या है, 6 वीक्स और 21 वीक्स।
तो हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 6/21 को सिंप्लीफाई करें, 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 2s are 6, 3 7s are 21, तो द आंसर इज 2:7, ठीक है। फिर 8 मिलीलीटर्स, अब ये क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और 10 मिलीलीटर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8/10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, द आंसर इज 4:5। इसी तरह से 8 टन्स और 14 टन्स, तो 8/14 को सिंप्लीफाई करें, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 4 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज 4 is not a factor of 14। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, 4:7। नेक्स्ट वी हैव 24 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, देन 10 डिग्री सेल्सियस। 24/10 को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 2 5s are 10, 2 12s are 24, तो यहाँ पर हमारे पास 12:5 आएगा। ये ना हो कि आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से 28 किलोमीटर्स रेशो 12 किलोमीटर्स है, तो अब अगर हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 28/12 को कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, 4 3s are 12, 4 7s are 28, सो द आंसर इज 7:3। इसी तरह से 21 लीटर्स रेशो 9 लीटर्स, 21/9 को हम 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 7s are 21, 3 3s are 9, द आंसर इज 7:3। बस आपने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ रेशोस को सिंप्लीफाई करते चले जाना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच सेज हेलेना सीज दिस रेसिपी फॉर पेस्ट्री। एक पेस्ट्री बना रही है हेलेना एंड शी सेज द रेशियो ऑफ मार्जरीन टू फ्लावर इज 4:1, ठीक है, यानी लेट्स से इफ शी इज टेकिंग 1 कप ऑफ फ्लावर, शी इज टेकिंग 4 कप्स ऑफ मार्जरीन अगेंस्ट इट, ठीक है। रेशो का ये मतलब होता है, 4:1 का मतलब है कि अगर हमारे पास जो भी क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं, केजीज की क्वांटिटी यूज कर लें, कप्स की क्वांटिटी यूज कर लें, ठीक है, तो अगर 1 कप फ्लावर है तो 4 कप मार्जरीन है, अगर 1 केजी फ्लावर है तो 4 केजी मार्जरीन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन दी मिस्टेक दैट हेलेना हैज मेड, हेलेना ने क्या मिस्टेक की है ये हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा इंग्रेडिएंट्स का चार्ट मौजूद है, इट सेज 200 ग्राम्स फ्लावर है और 50 ग्राम्स मार्जरीन है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू चार्ट फॉलो करें, रेशियो ऑफ मार्जरीन टू फ्लावर इज, अब मार्जरीन की क्वांटिटी पहले आएगी, फ्लावर की क्वांटिटी बाद में आएगी, ठीक है, जो आपके पास जो भी आइटम आपके पास पहले होगा उसकी आप यहाँ पर पहले ही क्वांटिटी लिखेंगे, दैट इज 50 ग्राम्स, और फ्लावर आपके पास है 200 ग्राम्स। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमने मेथड अभी सीखा है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, 50/200, 0 से 0 कट, 5 1s are 5, 5 4s are 20, द आंसर इज 1:4, दैट इज 1/4, तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 1 ग्राम इज टू 4 ग्राम्स। तो हेलेना ने क्या मिस्टेक की है, यहां पर हम क्या कहेंगे, द मिस्टेक दैट हेलेना हैज मेड इज ऑफ द ऑर्डर, शी हैज रिटन दिस रेशो इन द रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, यहां पर आप बता सकते हैं। ये 4:1 नहीं है और 1:4 है, ठीक है। नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट करेक्टली फॉर हेलेना, द रेशियो ऑफ डैश टू डैश इज, तो करेक्ट आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगी, द रेशियो ऑफ मार्जरीन टू फ्लावर इज 1:4, या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो द रेशियो ऑफ फ्लावर टू मार्जरीन, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे तब भी ठीक हो जाएगा, तब आप कह सकते हो 4:1, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ठीक है, बस ये छोटी सी चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।